गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर क्लास 9 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल एंड एलिमेंट्स और सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड वी ऑल्सो लर्न दैट ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी and actually human resource plays a pivot role in the way of developmental process of an economy. Now in this video we are talk over the quality of population. As we whenever we talk about human resource or human capital, we actually talk about the quality of population. Quality of population depends upon various inputs or various elements, indicators, which consist the Human Development Index, Mano Vikas Suchkank, and quality of population, jitna better hoga, yani aapke human resource utne better hain, aur unki productivity utni achhi hogi, and then they can contribute more towards developmental process. To quality of population, jiski hum baat karte hain, yani jansankhya ki gunvatta, वो डिपेंड करता है बर्थ रेट, डेथ रेट, जन्म दर, मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। ये प्रति हजार बच्चों के जन्म पर निकाला जाता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट प्रति हजार जीवित बच्चों के जन्म पर एक साल के अंदर जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो उसको निकाला जाता है। और 1951 में ये लगभग 147 था, 1951 में ये 147 था, जिसको अभी हम लोग 16-17 में घटा करके 2016 और 17 में लगभग घटा करके हमने 42 कर दिया है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमने बहुत कम किया है, डेथ रेट है, बर्थ रेट है, लिटरेसी रेट साक्षरता दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा, जिसको हम लोग कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। अभी लगभग 67 ईयर्स है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 67 ईयर्स है। आपको एक बात बता दें कि 1951 में ये केवल 32 ईयर्स थी, 1951 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 ईयर्स थी, और जो अभी 2016-17 में 67 ईयर्स था, इसमें हमने डेवलपमेंट किया है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को भी हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में लेते हैं, और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, इन सब को यानी बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और पर कैपिटा इनकम, इन सात चीजों को हम लोग लेते हैं, और इन सात चीजों के बेसिस पे HDI का निर्माण होता है, मानव विकास सूचकांक का निर्माण होता है, और यही सूचकांक बताता है कि वो देश कितना डेवलप है और उसके मानव संसाधन कैसे हैं। इंडिया की जहां तक बात करते हैं तो भारत जो है 2019 में इसका HDI जो था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो 189 देशों में 129वां स्थान था, नॉट सो गुड। तो 129वां स्थान पे है, यानी 128 देश हमसे मानव विकास सूचकांक में हमसे बेटर है, ओनली फ्यू कंट्री 60 देश जो है वो हमसे पीछे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर जब हम बात कर रहे हैं अभी, या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं, तो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी कि देखिए, जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात हम करते हैं, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो है कि आपके जो बच्चों का नामांकन होता है, कितने पढ़ने वाले बच्चों में कितने लोग, कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर नामांकित हैं, इनरोल्ड हैं, दैट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। हमारे यहाँ ये भी कम है, क्योंकि फिर आगे जाके ड्रॉपआउट्स बहुत होते हैं ग्रॉस हमारे बच्चों में। फिर पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा, ये जितने भी इंडिकेटर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, आपको ये एक बात समझनी होगी कि ये सारे इंडिकेटर बेटर होते जाते हैं जब आपका पॉपुलेशन जैसे जैसे एडुकेट होता जाता है,
जैसे जैसे आपकी लिटरेसी रेट बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन जैसे जैसे आपके एडुकेट होते जाएंगे, पॉपुलेशन हेल्दी होगा, एडुकेट होगा, स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो स्वाभाविक से नेचुरली ये सारे इंडिकेटर भी बेटर होते जाएंगे। तो इन सब का यानी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो मेन आधार है वो दो चीज़ है, एडुकेशन और हेल्थ। यानी अगर हम कहें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन रिसोर्स को का जो बेसिक है वो है एडुकेशन और हेल्थ, बिकॉज एडुकेशन और हेल्थ जो है वो आगे चल करके अगर एडुकेशन और हेल्थ बेटर हम प्रोवाइड कर पाते हैं अपने पॉपुलेशन को तो आगे चल के नेचुरली ये सारे इंडिकेटर बेटर होते जाएंगे। बिकॉज एडुकेटेड सोसाइटी जो होता है, लिटरेट सोसाइटी जो होता है, उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एवरीथिंग गोइंग टू बी कंट्रोल ग्रेजुअली एंड योर पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्रेजुअली एनहेंस। सो एनी कंट्री, इफ दैट कंट्री विलिंग टू गेट अ डेवलप्ड कंट्री, देन that country must have to expend more on education, and that country have to be establish a proper infrastructure, a good infrastructure overall for education, because only education is the mean from which we can better our human development index. And human development index state all about human resource and human capital of a nation. So we have to be focused on education scenario in India nowadays, and also made a comparison from our past. So in education, if we talk about education को हमने heading लिया है यहाँ पे इस video में, हम लोग बात करेंगे education की, कि भारत में quality of population का जो main indicator है literacy rate, और literacy rate के पर ही बाकी सारे indicator depend करते हैं जैसा कि हमने कहा है। तो education का क्या सिनेरियो है, परिदृश्य है भारत में, तो अगर एक बार फिर से हम लोग इसको देखें, 1951-52 में एडुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन इज 6.04% ऑफ जीडीपी। यानी 1951 में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद जीडीपी का केवल 0.64% था एडुकेशन पे खर्च, जो कि लगभग 151 करोड़ रुपया था एडुकेशन पे, विच रोज टू 3%। अभी 15-16 में हम जीडीपी का 3% खर्च करें, अभी 2020 में जो नई एजुकेशन नीति आई है उसमें हमारे मोदी सरकार ने कहा है कि अब हम 6% तक जीडीपी का खर्च करेंगे। तो 6% मिनिमम एक्सपेंडिचर है, आप लोगों को मैं बता दूं कि 6% इज द मिनिमम एक्सपेंडिचर विच मस्ट बी must have to be made by any government to educate or literate its population or for a better infrastructure in education. अभी 2015-16 में ये बढ़कर के 3% हो गया जीडीपी का, और लगभग 3766 करोड़ रुपया हम एडुकेशन पे 15-16 में खर्च किए। तो ये एडुकेशन पे खर्च अभी भी आप देख रहे हैं कि 3%, जो कि मिनिमम 6% से बहुत ज़्यादा कम है, 6% होना चाहिए, और 6% से बहुत ज़्यादा कम है एडुकेशन पे खर्चा, और इस कारण शायद हमारे बाकी इंडिकेटर भी पुअर हैं। तो एडुकेशन पे खर्च, जहाँ तक लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, साक्षरता दर की, तो भारत में 2011 में ओवरऑल साक्षरता दर जो थी वो 77% थी। अगर मेल साक्षरता की हम बात करें, पुरुष साक्षरता की, तो वो 83% था, और फीमेल लिटरेसी जो है वो 64% था। फीमेल लिटरेसी आप देख रहे हैं कि मेल लिटरेसी से फीमेल लिटरेसी हमारे यहाँ कम है, इसका मतलब है कि अभी भी हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको हम शिक्षा के प्रति ज़्यादा उन्मुख नहीं कर पाए हैं। महिलाएं वुमेन वर नॉट मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स एजुकेशन, एंड आवर पॉलिसीज आल्सो डज नॉट मेक एनी वाइटल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेट वुमेन्स एंड फीमेल्स इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा लैकिंग है, और इसके कारण महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है हमको डेवलपमेंटल प्रोसेस में जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर 1950-51 में हम लिटरेसी रेट की बात करें, तो वो 1950-51 में 18% थी
जो 2010-11 में बढ़कर के 74% हुई, और 10-11 से अभी तक हमने केवल 3% लिटरेसी रेट बढ़ाया है। अभी तक हम बता रहे हैं कि 1990 के दशक से हम लोग लिटरेसी पे बात कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना, स्कूल चले हम, मिड डे मील स्कीम, उसके बाद से एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस, 2010 में आकर के तो हमने राइट टू एजुकेशन को लागू कर दिया, यानी शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को प्राथमिक प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री है। इसके बाद इस सब को मिड डे मील स्कीम हमने टू स्टॉप ड्रॉप आउट चलाया, ताकि बच्चों का जो ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल से वो कम हो, और मिड डे मील प्रोग्राम को हमने चलाया। 2011 में अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो सबसे कम लिटरेसी रेट जो भारत में था वो बिहार का था 62%, और सबसे ज़्यादा जो था वो केरला का था 94% एजुकेशन लिटरेसी रेट जो था 2011 में। और केरला सबसे आपका एडुकेटेड और लिटरेट स्टेट है, और इस भी आप वहाँ पे देखिए कि बाकी सारे इंडिकेटर जो हमने बात कहा कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन लिटरेसी रेट एंड द इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, एंड इट इज गोइंग टू बी फाइंड ट्रू इन केरला दैट व्हेन वी सी द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन केरला स्टेट, वी फाइंड दैट इन कंपैरिजन ऑफ ऑल द नेशन Kerala present a better index human development indicators, and due to it's all about due to better literacy rate in Kerala 94%, और बिहार का तो आप देख ही रहे हैं कि 62% है, और उसी हिसाब से हमारे indicators भी हैं। हालांकि education को लेकर सरकार ने शुरू से बहुत सारे काम किए हैं, हालांकि हमको जहां तक लगता है, ये बात मैं खुलकर बोलता हूं कि डेमोक्रेसी की जहाँ तक आप बात करते हैं, डेमोक्रेसी में एडुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, और जिसका आप बिहार में देख रहे हैं कि नियोजित टीचर हैं, और शायद इसलिए हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में हमको लगता है कि सत्ता पक्ष को या जो भी सत्ता में रहते हैं गवर्नमेंट को या जो अथॉरिटी है पॉलिटिशियन, उनको लगता है कहीं ना कहीं एडुकेशन और लिटरेसी से डर लगता है। दे थिंक परहैप्स आई पर्सनली फेल्ट कि वो ऐसा सोचते कि अगर पॉपुलेशन एडुकेटेड हो गए तो फिर वो बहुत अलग तरह के डिमांड करेंगे, वो पॉल्यूशन की डिमांड करेंगे, वो सिक्योरिटी की डिमांड करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करेंगे, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बहुत टफ काम होगा कि उनके मांगों को पूरा करना और उनको बहला या फुसला देना। तो एडुकेशन डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, और हमको तो इंडिया को देखकर यही लगता है, क्योंकि यहाँ पर 90 के दशक से बहुत ज़्यादा हमने एडुकेशन पे काम किया है, और बहुत तरह के एडुकेट फंड्स को हमने यूटिलाइज किया है, बट इंस्टीड ऑफ दैट प्रोग्राम्स दैट पॉलिसीज फॉर विच इज़ फॉर्मुलेटेड टू बेटर एजुकेशन एंड लिटरेसी, अभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोर इच्छा शक्ति का परिचायक है ये स्थिति। तो 0 से 14 वर्ष तक एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने फ्री एजुकेशन किया, 2010 में राइट टू एजुकेशन किया, मिड डे मील प्रोग्राम को हमने लाया ताकि ड्रॉप आउट्स कम हो, और इन सब के बावजूद हमारे एजुकेशन सिनेरियो बहुत बेटर नहीं दिख रहे हैं। इंडिया में लिटरेसी रेट अभी भी ओवरऑल 77% पर है, जबकि 2020 तक हम 100% लिटरेसी का टारगेट रखे थे इन 1990 में, 30 सालों में 100% लिटरेसी रेट को ध्यान में रखा गया था, और फिर भी अभी तक हम 77% पर पहुंचे हैं। 2020 में मोदी सरकार अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आई है, नई शिक्षा नीति को लाई है, लिटरेसी मिशन, साक्षरता मिशन तो हम लगातार चला ही रहे हैं 90 से, और फिर अब देखना है कि आने वाले जो 2030 तक हमारे लक्ष्य हैं कि किस तरह से हम 100% लिटरेसी करेंगे, और कैसे इसमें आमूलचूल बदलाव होंगे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको देखना होगा। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें, जो नामांकन दर है, सकल नामांकन दर अगर उसकी हम बात करें, तो 2015-16 में 18 से 23 आयु वर्ग के
जो हायर एजुकेशन जो जिसमें बच्चे लेते हैं उनमें अगर हम बात करें तो ये बहुत पुअर है, यानी 4 में केवल 1 बच्चा ही हायर एजुकेशन ले पाता था, क्योंकि 2015-16 में 18 से 23 आयु वर्ग में केवल 25.2% इनरोलमेंट रेट था, जिसका टारगेट 2020-21 तक 30% है। एक साल में हम लोग 5% बढ़ जाएंगे ऐसी संभावना तो नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी टारगेट रखा गया है 30% का टिल 2020-21। इसके अलावा हम लोग एजुकेशन के क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए लिटरेसी और एजुकेशन पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, इसके साथ ही हमने बड़े पैमाने पर ITI जिसको जिसके थ्रू हमने एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन किया है वो किया है, डिस्टेंस लर्निंग को रिमोट एरिया में एजेड लोग हैं या जो वयस्क साक्षरता है उसको बढ़ाने के लिए हमने डिस्टेंस एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है। लगभग अभी 185 यूनिवर्सिटी आपके देश में ऐसे हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन देते हैं, ताकि कामगार लोग या कोई भी जो बाहरी लोग हैं या किसी अन्य काम में इंगेज हैं वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही हमने IT एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दे करके इंडिया को IT का एक हब बनाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सारे प्रयासों के जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आया है, और इसीलिए भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी भी पुअर है और पता नहीं अभी कितने दिनों तक रहेगा। हमको लगता है जब तक ओवरऑल लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये इंडेक्स में सुधार नहीं होगा, और लोगों को जागरूक करने के लिए ही एजुकेशन है। सरकार अगर इस पर मजबूत इच्छा शक्ति से ध्यान दे तो निश्चित रूप से हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बेटर होंगे आने वाले दिनों में। अब एक बार हम थोड़ा सा नजर डाल लें डाटा पर कि डाटा क्या बताता है हमारे और कितना हमने इम्प्रूवमेंट किया है अपने आज़ादी के बाद से। अगर हम बात करें 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेजेस की, तो 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेज 750 थे, जो कि 2016-17 में बढ़कर के 42,338 हो गए। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो 1950-51 में बहुत कम, केवल 30 यूनिवर्सिटी थे पूरे देश में, जो कि बढ़कर के 2016-17 में 795 हो गए। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करें यानी विद्यार्थियों की संख्या की हम बात करें तो 1950-51 में केवल 2,63,000 विद्यार्थी थे, जो कि 2016-17 तक बढ़कर के 2,94,27,158 हो गए। नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की बात हम करें तो 1950-51 में समूचा मिलाकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में टीचरों की संख्या 24,000 थी, जो आज 2016-17 में बढ़कर के 14,70,190 हो गए। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से इस डाटा को हम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा उछाल है, लेकिन अगर इन कंपैरिजन इतना ज्यादा उछाल है तो आपका लिटरेसी रेट में भी उछाल होता, ग्रॉस इनरोलमेंट में भी उछाल होता, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी उछाल होता। लेकिन अगर हम पूरे पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इन डाटा को देखें तो जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी वो वृद्धि नहीं है, वो ग्रोथ इसमें नहीं आया है। अभी हमें और यूनिवर्सिटीज़ की जरूरत है। अभी आप देख लीजिए कि पूरे पश्चिम चंपारण में केवल 3-2 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं और 1 बगहा में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज यानी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, जबकि केवल पश्चिम चंपारण की संख्या पॉपुलेशन की संख्या लगभग 41 लाख है, और इसमें अगर आप एजुकेशन जो आयु वर्ग निकालते हैं पढ़ने वाले की तो वो भी अच्छी खासी करीब 12 से 14 लाख है, और इतने बड़े पॉपुलेशन पे इतनी कम कॉलेजों की संख्या, तो ये थोड़ा सा क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन से हम बात कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक की बात कर रहे हैं, तो ये अभी भी कम है और इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग ये समझे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारे इंडिकेटर पे डिपेंड करता है, और इन सारे इंडिकेटर को मिला करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। जहाँ तक बात है बाकी सारे इंडिकेटर की, तो वो सारे इंडिकेटर 2 चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हेल्थ और एजुकेशन, और इसलिए एजुकेशन एंड हेल्थ प्लेज अ पाइवट रोल टू एनहेंस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसलिए हम लोग एजुकेशन के भारत में एजुकेशन का जो परिदृश्य है
वर्तमान, उसको हमने चर्चा किया है इस वीडियो में, और एक कंपैरिजन भी पेश किया है फ्रॉम पास्ट। और इन सब को कंपैरिजन और परिदृश्य पर चर्चा करने के बाद हम लोग ये पाते हैं कि भारत में जो मानव संसाधन की बात करते हैं, वो मानव संसाधन अभी भी कम है, या उनके मानव संसाधन में जो परिणत होने की दर है, द रेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ ह्यूमन बींग्स इंटू ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत कम है। एंड इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू पुअर एजुकेशन सिस्टम, या हमको जो जिस तरह का एजुकेशन जिस लेवल पे चाहिए वो नहीं है। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द अनदर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हेल्थ। टिल देन यू ऑल नीड टू बी राइट डाउन इट इन योर होमवर्क और फेयर नोटबुक, एंड ऑल्सो रिमेम्बर द डाटा फॉर एग्जाम पर्पज, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो came from these datas. So you all have to be considered and remember all these things and make your fair notes in your homework notebook. And till then, bye. Okay, take care, stay home, safe home.